ढेरों शुभकामनाएं आपको। मित्रों आपका पेपर सीटेट का 7 जुलाई को हुआ है, जिसमें संस्कृत फर्स्ट लेवल में, लेवल फर्स्ट में भाग प्रथम एवं भाग द्वितीय। मित्रों मेरा नाम मुकेश दीवान है, सुफलाम क्लासेज जयपुर में स्थित है और ये संस्था आपको आज सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ कि कुछ प्रश्नों का जो सॉल्यूशन नहीं हुआ है भाग प्रथम एवं भाग द्वितीय लेवल फर्स्ट में। पहले हम आज संस्कृत में लेवल फर्स्ट का भाग प्रथम देखेंगे और फिर भाग सेकंड में, यानी भाषा जो आपने ली थी, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय, उसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न थे, उनके आंसर क्या है। सबसे पहले आता है हमारा पहला ही प्रश्न रखा गया, इसमें एक पैराग्राफ दिया गया एक, जिसमें का स्टार्टिंग जो था वो पुना पुरा वत्रासुर है देवानाम वृत्सनम एपीडियत, ये जो पैराग्राफ था इसका पहला ही प्रश्न जो कि यहाँ दे रखा है 91 नंबर पे, यह पूछा है असमर्थ इति पदस्य है विलोम पदम अनुच्छेद है प्रयुक्त तत्चित्वा लिखित है। तो यहाँ कहा है क्या लिखा है वो देखिएगा, इसने कहा है असमर्थ इति, इस पद को का जो है पैराग्राफ में से देख करके विलोम पद बताना है, तो विलोम पद इसमें जो दिया गया है इसका समर्थ दिया गया है। तो मित्रों मेरे हाथ में जो पेपर है 91 नंबर का ये प्रश्न है, जिसमें आंसर ये 3 नंबर का है। फिर है 92 नंबर पे प्रश्न पूछा है कत्वा प्रत्यांत पदम चित्वा लिखित है, कत्वा प्रत्यय से जो बना हुआ है पद वो लिखें, तो कत्वा प्रत्यय का जो है वो इन 4 ऑप्शनों में बना हुआ है श्रुत्वा, श्रुत्वा है फिर, यानी कि 3 नंबर पे है मेरे यहाँ। फिर इन्होंने कहा कि प्रवेशम कृतवंत है, इसका पर्याय पद बताना है, प्रवेशम कृतवंत इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो यहां पर जो एग्जामिनर ने पैराग्राफ में से चुनने के कहना कहा था, तो प्रवेशन है अपना चेक कर ले, अपना मिलान कर ले। फिर कहा साहब अगला प्रश्न है कि देवा के परिवृत्त, इस तरह से प्रश्न है आगे डेरेस, इसमें ये पूछा है कि यहाँ की के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पैराग्राफ में से चुनकर लिखना था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऋषि भी, यहाँ पर जो आंसर है आपका वो इस पैराग्राफ में ऋषि भी 2 आंसर है यहाँ। फिर कहा 95 अस्थि भी किम घटयत, ये प्रश्न है अस्थि भी किम घटयत, जो प्रश्न है किसकी अस्थियों के बारे में जो है, किसकी अस्थियों से बनेगा, यानी कि अस्थि भी किम घटयत, क्या बनेगा अस्थियों से, दधीच ऋषि की जो अस्थियां हैं उससे क्या बनेगा, तो यहां आंसर है वज्रयुद्धम। स्टोरी है जब वज्रासुर जो है वत्रासुर ने देवताओं को परेशान किया था, उस समय हरि भगवान ने जो प्रजापति से कहा था कि देवर्षि दधीच के पास जाइए और उनकी अस्थियों से एक अस्त्र बनेगा जिसका नाम क्या होगा, वज्रयुद्ध बनेगा और उससे ही ये मारा जाएगा, इस तरह से इसका आंसर ये होगा। अब आया हमारा अगला प्रश्न जिसमें आया है वानराणाम इति पर्यायवाची बताना है, वानराणाम इति इसका पर्यायवाची बताना था पैराग्राफ में से देख करके, अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं देना है, यह आंसर अली नाम, कपी नाम, हरी नाम और नदी नाम, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहां पर आंसर है कपीना। कैसा इस प्रश्न को हम कहां देखें, तो हमारा जो पैराग्राफ है इसमें आप चले जाएं और वहां जो है तस्य तपो कपीनाम क्रीड़ा भी, यहां पर जो दे रखा है इन्होंने किसके लिए, वानर के लिए, वानर के लिए यहां दिया गया। तो अब अगला है, इन्होंने पूछा है वत्रासुरम हंतुम असुरान च जेतुम परियिच्छत है इति प्रजापति ही कै उक्तवान, कि प्रजापति से ऐसा किसने कहा,
तो कहा साहब हरी ने कहा, हरी ने उसे कहा, तो आंसर इनका जो है वो तीन नंबर का है। फिर कहा देवान के पीड़ित, देवता किससे पीड़ित थे, तो देवान के पीड़ित, तो किससे पीड़ित थे भाई, वो वत्रासुर से थे, तो वत्रासुर आंसर मेरे यहां एक नंबर का है। फिर आया तुम्न प्रत्यय से बना हुआ कोई पद बताएं, इसी में ही, तो तुम्न प्रत्यय से जो बना हुआ है उस पर फोकस करें, तुम्न प्रत्यय से जो है पैराग्राम है स्थातुम जो है वो आंसर होगा, स्था प्लस तुम्न स्थातुम बनेगा। ये था हमारा पैराग्राफ और अब है श्लोक। एग्जामिनर ने भाषा प्रथम में फर्स्ट लेवल में 6 श्लोक दिए हैं और इन श्लोकों पर आधारित ये सारा दिया है, आइए एक बार इस पर भी देखें हम। अब मित्रों यहाँ पर शुरू कर रहा हूं मैं वो पैराग्राफ जो फर्स्ट लेवल में सी टेट में भाषा प्रथम में है, जिसमें 6 श्लोक दिए थे, जिसमें प्रश्न यहाँ मेरे संख्या जो 100 नंबर पे है, प्रश्न है कीदृशम धनम कार्य काले धन प्रदम न भवति। इस प्रश्न का एग्जामिनर ने आंसर चाहा है कि किस प्रकार का धन कार्य के समय पर लाभप्रद नहीं होता है, तो आंसर मित्रों है पर हस्तगतम, धन दूसरे के हाथ में जाने पर वो समय पर काम में नहीं आता है, क्योंकि श्लोक भी कुछ ऐसा ही इन्होंने है, पुस्तक तथा तू या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने सा न सा विद्या ने तद धनम, कि पुस्तक में रखा हुआ ज्ञान विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कार्यकाल यानी कि जब कार्य की आवश्यकता पड़ती है तब ना तो वो विद्या काम आती जो पुस्तक में रखी है और ना ही वो धन जो दूसरे के हाथ में गए हैं। तो यहाँ पर कीदृशम धनम कार्यकाले है धनम प्रदम न भवति, इसका आंसर सी नंबर है यहाँ पर मेरे पर हस्तगतम। फिर आता है दूसरा अगला प्रश्न जिसमें कहा है मानः केषां धनं भवति, मान किसका धन होता है, केषां किसका धन होता है, तो संभावना ही नहीं वहां आंसर में साफ दे रखा है, अधमा धनम इच्छन्ति धन मानम न मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धन। तो कहा साहब किसके लिए कहा है आपने ये जो है मान जो है उस क्या होता है महताम, आंसर महताम आएगा ध्यान रखिएगा। फिर आया हमारे पास अगला प्रश्न है कत्वा प्रत्यय का जो है प्रयोग जो है वो किस शब्द में हुआ है, तो कत्वा प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है वो यहाँ 4 ऑप्शन है उसमें दृष्टवा शब्द रखा है इसमें हुआ है। फिर कहा है सागरेशु जो पैराग्राफ में दिया हुआ है सागरेशु इसका पर्यायवाची पूछा है और पर्यायवाची जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आंसर जो है समुद्रेशु है देशु है आंसर। फिर आया हमारे पास अगला है अपमानम इति इसका विलोम पद बताना है अपमानम मान है इति इसका विलोम बताना है और वो भी पैराग्राफ में से देख करके आपको नहीं कोई मेहनत नहीं करनी है। तो यहाँ पैराग्राम में दे रखा है सम्मान और फिर इसके बाद में अगला जो प्रश्न उन्होंने दिया है या यावत जीवम तृप्ति कया भवति कि जीवन की यावत जीवन की तृप्ति कब किससे होगी, तो यहाँ कहा यावत जीवन की तृप्ति विद्या से ही होगी यावत जीवन तृप्ति प्रश्न था यावत जीवन तृप्ति कया भवति तो कया के स्थान पर जो आंसर आप मांग रहे हैं कि जब तक जीवन है तब तक तृप्ति किससे होगी तो विद्या से होगी। हर व्यक्ति ये कहता है पैसा नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है पैसा नहीं है और हमारे जो सारे ग्रंथ हैं हमारी सारी चीजें हैं वो कहती हैं जिसके बाद विद्या है उसके बाद धन है। अब आता है हमारा पैगालोजी जिसे आप कहते हैं मनोविज्ञान जिसे कहते हैं आप पेडालोजी जिसे कहते हैं उसका पहला ही प्रश्न यहाँ दे रखा है प्रथम कक्षायाः भाषा पुस्तके आदौ वर्णमालाः दीयते प्रथम कक्षा की भाषा पुस्तक में सबसे पहले वर्णमाला दी गई है ततः द्वया अक्षरः
दूसरी बात उसके बाद अक्षर दिए गए हैं, तदंतर त्रियः शब्दा उसके बाद शब्द दिए गए हैं, अनंतरम च कथा कविता च और इसके बाद में कथा और कविता दी गई है, एवं पुस्तके का पद्धति अनुसृता यह पुस्तक कैसी विधि का अनुसरण करती है। याद रखिए बेटा पेपर आपका पांचवी लेवल का है, सबसे पहले वहां क्या होता है वर्ण होता है, वर्ण के बाद अक्षर शब्द होता है, शब्द के बाद में जो है शब्द के बाद में आप कथा और कविता है। ऐसी स्थिति में यह अनुसरण किसकी कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये पाठ्यचर्य रूपरेखा का आंसर है, ध्यान रखिएगा पाठ्यचर्या है, इन्होंने चर्य रखा है, पाठ्यचर्य रूपरेखा पद्धति है जिसका इन्होंने अनुसरण किया है। फिर आता है दूसरा प्रश्न, यहाँ एक प्रश्न है एका पठनगत समस्या अस्ति, मैं प्रश्न लिख देता हूं यहाँ भी एका पठनगत समस्या अस्ति, समस्या अस्ति ऐसा प्रश्न दिया है इन्होंने, और प्रश्न के साथ में इन्होंने दिया है चार ऑप्शन, मैं चारों समझाने में हूं, पहले इसका सही आंसर हम समझेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कहां क्या होता है। पहला ही कहा डिसलेशिया है ना, डिसलेशिया पहला दिया इन्होंने कि पढ़ने से संबंधित समस्या कौन सी कहलाती है, क्या कहलाती है। फिर कहा डिसग्राफिया, तीसरा इन्होंने दिया है डिसकाल्कुलिया, और चौथा इन्होंने दिया रखा है इसमें वो रखा है डिसफोरिया, रखा है कि हमें आंसर क्या देना है, आंसर क्या है, क्या पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं पठन संबंधी, पठन से रिलेटेड है डिसलेशिया जो समस्या है वो पठनगत होती है। तो याद रखिए इस प्रश्न का तो आंसर यही है कि पठन से संबंधित है, जब कहा डिसग्राफिया किससे संबंधित होती है, लेखन से होती है, ये समस्या लेखन से होती है जब उसमें दिक्कत आती है, और डिसकाल्कुलिया किससे होती है, गणित से, गणित में ये समस्या होती है, और ये जो है डिसफोरिया ये है चिंतन से संबंधित जो है, चिंता से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो समस्या आती है। तो याद रखिए उसने पठनगत समस्या पे पूछा है, तो थोड़ा ध्यान रखें कि आंसर क्या होगा। फिर अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है कक्षायाम लेखन से प्रारंभ कर तुम शिक्षक है, जब अध्यापक कक्षा में लेखन कार्य प्रारंभ करेगा तो शिक्षक को विशेष रूप से क्या रखना करना होगा। तो सोचिए आप टीचर हैं, आप क्लास में खड़े हैं, आपको लेखन कार्य शुरू करना है, तो सबसे पहले शाम जो है फलक होगा, तो यहाँ कहा कृष्ण फलके, आप कान से मिले मैं मैच कर लीजिएगा, कृष्ण फलके लिखा हुआ है, कृष्ण फलके विषय उपरी लिखितम परिच्छेदम अनुलेखितुम छात्राणाम निदेशितम, कि वह शाम पट पर जो लिखा हुआ है उसे लिखने का अनुदेशन देगा जब वो प्रारंभ करेगा। फिर एक अगला प्रश्न है बालकेन मातृभाषा अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया, कि बालक में मातृभाषा का अधिग्रहण होगा मुख्यतः कैसे होगा। तो बालक का श्रवण है, एक दूसरा संभाषण है, तीसरा लेखन, चौथा है औपचारिक शिक्षण व्यवस्था। तो बच्चे का जो मातृभाषा का अधिग्रहण किससे होगा, बच्चे का औपचारिक जो है शिक्षण व्यवस्था से होगा, तो आंसर इसका फोर्थ है औपचारिक शिक्षण व्यवस्था से। आपके जो एलोजी के प्रश्न है इन पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा क्योंकि बहुत काफी आपके अच्छे प्रश्न आए हैं। अगला प्रश्न है उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति, उत्पादक कौशलों में किसका समावेश है। तो उत्पादक करना है बच्चा क्या करेगा, पठन लेखने, पठन श्रवणे, लेखन भाषणे, या वो कुछ लिखना क्या करेगा, उत्पादन कैसे करेगा, या तो पढ़े तब, या फिर लिखे दो इस चीज से, या फिर लेखन संभाषण से, पहले वो लिखेगा संभाषण करे उसको, तो कहा साहब इसमें लेखन संभाषण का रहेगा विशेष रूप से, और जो है उस चीज का रखा गया इसको।
फिर कहा साहब करुणा नामक जो तृतीय कक्षा में शिक्षिका है, तीसरी कक्षा में एक शिक्षिका है, वह कविता पढ़ाकर कक्षा छात्रों को कुछ कार्य देती है। अधो लिखित है किम कार्य तथा दीयतां येन छात्रा सक्रिय रूपे भाग गृहीतु। कहा साहब इस प्रश्न का जो आंसर क्या है कि अध्यापिका कक्षा में कविता पाठ करवाने के बाद बच्चों को कुछ कार्य दे रही है, तो इस प्रकार का कार्य में बच्चे सक्रिय रहें ऐसा क्या करें वो? तो इसमें आंसर है यथा पाठे दत्तम अस्ति तथा कवितायां पंक्ते है प्रत्येकम पंक्ते है कंठस्थी कर्तुम छात्रे में निदेशयति। कि बच्चा क्या क्या करेगी कि उसको जो जो कठिन कंठस्थीकरण के लिए कहेगी ताकि बच्चे सक्रिय होंगे, क्योंकि वो कविता पढ़ा रही है और कविता पढ़ा रही है तो बच्चे को रुचिकर। फिर है भाषाया अधिग्रहण विषय का उक्ति समीचीन, कि भाषा अधिग्रहण के विषय में कौन सी उक्ति सही है? तो यहाँ बेटा आंसर है बाला विभिन्न श्रोतेभ्य भाषा अनुगमन है कुर्वंती, बालक विभिन्न स्रोतों से भाषा का अधिगम करेंगे, ये इसका उक्ति शुद्ध है। फिर आपका प्रश्न है कस्यः एकस्यः भाषाया अधिगम अर्थम अधस्तेनेषु कस्य महत्वम समावेशः या समाधिका। का फिर से देखे इस प्रश्न को, एकस्यः भाषाया अधिगमनार्थम अधस्तेनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। कि साहब एक भाषा के अधिगम के लिए नीचे दिए हुए का किसका सर्वाधिक महत्व है? तो बेटा सीधा सा है, अध्ययन अध्यापन सामग्री का उपयोग सर्वाधिक होता है एलकेजी से लेकर के पांचवी क्लास तक किसी भी भाषा को अधिगम करवाने के लिए। अगला प्रश्न है इसका आंसर कौन सा है, जिसके नीचे लिखा हुआ है यूज ऑफ TLM जो लिखा हुआ है ये इसका आंसर है। फिर कहा कस्मिन चित है पाठे उपस्थितस्य चित्रस्य प्रतिकृति व कथम प्रयोगम क्रियते। कि किसी पाठ में उपस्थित चित्रों के लिए प्रतिकृति यानी मॉडल का कैसे प्रयोग किया जाएगा और कब प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें एक आंसर दे रखा है आपके, चार नंबर का है पाठस्य रचना, मेरे यहाँ चार नंबर का हो सकता है आपके आगे पीछे एक दो या दो नंबर का हो, चेक कर लीजिएगा। पाठस्य रचना कठिना भवति किंतु तस्य चित्रणाम अंकनम सरलम। यदि पाठ की रचना कठिन होती है तो वहां पर जो है चित्रांकन उसका किया जा सकता है। फिर कि छात्राणाम उत्कृष्ट लेखनानाम कर्तुम शिक्षक है कुत्र अधिकम ध्यानम ददात तस्य महत्वम सर्वाधिकम। कि छात्रों के उत्कृष्ट लेखन के लिए शिक्षक अधिक ध्यान देगा जिसके लिए उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? कि बच्चों के उत्कृष्ट लेखन पे के लिए हमें जोर देना है तो बच्चे को व्याकरण आनी चाहिए, तो अध्यापक उस पर जोर देगा। तो मेरे यहाँ आंसर अध्यापक व्याकरण है, जरा से इस पर विशेष ध्यान रखें। फिर आया प्रश्न आया हमारे पास, फिर से आ गया डिसलेसिया इति अस्ति, डिसलेसिया किससे संबंधित है? तो जरा से देखिएगा डिसलेसिया किससे संबंधित है, पठन संबंधित है, तो आंसर आपका हो गया फोर नंबर का। अगला है एकस्य पाठस्य पठन समय अधोलिखितेषु किम अति आवश्यकम्। एक पाठ के पढ़ने के समय नीचे दिए हुए में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पहला इसका आंसर है शुद्धोच्चारणेन सह पठनम्, कि शुद्ध उच्चारण के साथ में वो पढ़ सके। अगला प्रश्न है कि द्वितीय कक्षायाः शिक्षकः तासा छात्राणां शब्द भंडार वर्धने बहुबलं ददाति, शब्द भंडार वृद्धि अर्थम तया के उपायम अवलंबयते। तो कैसा बच्चों के लिए द्वितीय कक्षा की अध्यापिका है तासा, जो छात्रों के शब्दों के भंडार भरने के लिए अधिक बल देती है, तो वह उसके लिए कौन सा प्रयोग उपाय करेगी? तो यहाँ आपके एक प्रश्न आंसर दे रखा है इसका, छात्रा पाठे प्रत्येकम नूतन शब्दस्य अधोरेखा नूतनम रेखां कुर्वन्ति तथा चेतान कंठस्थीकरणं कुरुतः है। कि बच्चे नए जो पद आए हैं उनको के नीचे अधोलाइन की खींचे गए और उन्हें याद करेंगे। फिर प्रश्न आया आपके द्वितीय कक्षाया शिक्षिका शिक्षायाम
कक्षायां भावभंगिमा अभिव्यक्तिया सह एकां बहुरुचिकां कथां श्रावयति, कि दूसरी कक्षा में एक अध्यापिका भावभंगिमा के साथ में एक कथा सुना रही है। तदंतरम सा काचन छात्रताम शब्दः स्वशब्देः पुनः कथितुम निदेशितम, और इसके बाद में अपने शब्दों में बच्चों से कहती है कि पुनः बताएं आप। एवं सा आकलन करोती, वह किस चीज का आकलन कर रही है? तो कहा भाई साहब वो टीचर ने जो सुनाया है वो कितना समझ में आया है, इस चीज का आकलन कर रही है। तो श्रवण अवबोधस्य आंसर इसका होगा। फिर कहा कक्षाया मुद्रण समृद्ध वातावरणम इत्य अभिप्राय है, अर्थात प्रिंट राइट एनवायरमेंट का किसे कहा जाए? तो ऐसे कहा जाए कि सरकारी बिल्डिंगों में विशेष रूप से कक्षाओं में कक्षाया भीति रंजिता संति, कि जो है कक्षा को जो है रंगीन जो है भीतियों से सजाया जाएगा, इसका अभिप्राय है। फिर आया आपके पास ये आपका भाषा प्रथम लेवल का था, अब हम बात करेंगे भाषा द्वितीय का जो है प्रथम लेवल की है, उसके प्रश्न शुरू करता हूं मैं। अब हम बात करेंगे लेवल प्रथम में भाषा द्वितीय की, जिन बच्चों ने लिया है संस्कृत सीटेट में लेवल फर्स्ट में उस पर चलते हैं। तो पहला ही मेरे यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें पहला ही प्रश्न है, कोठाराम आदाय से वनम किम अर्थम गता है, इसका आंसर है काष्ठार्थम। इसका प्रश्न जो है आंसर होगा काष्ठार्थम। दूसरा है अचिंतयत इति पदस्य समानार्थक पद कौन सा है वो बताओ, तो यहाँ है चिंतितवान। तीसरे का हम देखें तरु शब्द का पर्यायवाची उन्होंने पूछा है, तो तरु शब्द का पर्यायवाची यहां आंसर है वृक्ष। चौथे का प्रश्न है अल्पानी इस पद का विलोम पद आपको बताना है इस पैराग्राफ से ही, तो प्रबुद्धानी। पांचवा चौथे प्रश्न का आंसर जो है यहां अल्पानी का विलोम शब्द जो है प्रबुद्धानी है। फिर कहा या रक्षाया योग्य इसका पद कौन सा है इस पैराग्राफ में, तो रक्षणीय है, ये पांचवा प्रश्न था। छठवा प्रश्न था परिवार शब्द का पर्यायवाची समानार्थक शब्द पूछा है इन्होंने, तो परिवार का आंसर यहां कुटुंब आएगा। फिर आया सातवां प्रश्न आपका भो अहम तुष्टि अस्मि इति कह वदत, तो ऐसा किसने कहा, यक्ष ने कहा। फिर आठवां जो प्रश्न है वो इन्होंने पूछा है तंतुवाय नाम क्यों, तो ये तंतुवाय का नाम क्या है, मंत्र का नाम था उसका। और इस तरह से ये आपके एक पैराग्राफ था उसका है। फिर इसमें दूसरा भी पैराग्राफ दिया गया उसका आंसर भी हम देखें यहां कि सकुनम जानंती इसका पद बताइएगा, तो ये आंसर है इसका। फिर दसवें में जाएं सर्वकारेण सर्व प्रकारेण का यहां पर एक पद बताना है कि चारों में से कौन सा है, तो सर्वथा। ग्यारहवें प्रश्न की हम बात करें तो यहां पूछा है जानी ही का यहां पर पद कौन सा है पैराग्राफ में, अवगच्छन। और अल्प ज्ञात का विलोम पूछा है यहां पर, तो इसका विलोम विख्यात आंसर है। फिर कहा स्वी कुरुष्व पद का समानार्थक पद यहां बताइएगा, तो मन्यस्व दिया हुआ है आंसर। फिर कहा है भूपस्य नाम किम आसीत, तो भूप ने राजा का नाम क्या था, तो उदयन नाम था। बात करें हम अगले प्रश्न की, तृतीय मूषक कथम आसीत, तीसरा मूषक कैसा था, तो यहां है सर्वथा अंधा।
यानी जनरल अंदर था वो। फिर आया ये आपके 15 प्रश्न थे दो पैराग्राफों से। अब आपका वो पैराग्राफ शुरू होता है जिसमें पहला ही जो है जिसमें ये पूछा गया है कश्चित विषय है अधिकृत्य स्वतंत्रता है लेखितुम चतुर्थ कक्षा वाला, इसका आंसर क्या होगा। इसमें आंसर जब हम बात करें तो इसका प्रश्न आंसर है वैयक्तिक जीवनी जीवने नेन दे रखा है। 17वां प्रश्न है उसका अनौपचारिक माध्यमेन कस्यचित भाषाया ये दिया हुआ है, इसका अंतर है। इसका प्रश्न का आंसर है परिग्रह परिवेशस्य। 18वां जो प्रश्न है पूर्व पठिताया कथाया ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसका है स्मृति शक्ति। और 19वां है उसमें पूछा है लेखन विषयक व्यतिक्रम है कथ्यते, लेखन समस्या जो आती है उसे क्या कहा जाता है। तो हम पहले ही याद कर चुके हैं डिसग्राफिया ये लेखन संबंधी आती है, 19वां प्रश्न था ये। और फिर है पठनम नाम न केवलम जो ये प्रश्न है इसका जो आंसर है वो मैं यहां लिख रहा हूं पाठस्य अर्थस्य अवबोधम कुरियात। फिर 21वां है आपका इस पे हम जाएं तो यहां कहा प्राथमिक कक्षाया छात्राणाम कृते मातृभाषाया इसका जो आंसर है वो आंसर है नैसर्गिक वातावरण से निर्माणम भवेत। 22वां हमारा जो प्रश्न है उस पर भी हम फोकस कर लें। प्रथम कक्षाया कृते भाषाया पाठ्य पुस्तके प्रारंभ कविता कथा इसका जो आंसर है वही है पाठ्य चर्या रूपरेखा प्रणाली। अगला था अधोलिखित है का उक्ति समीचीना इस पर हम ध्यान दें तो कहा अनुभवाना महत्व कोशेन जो आंसर है उसका ये आंसर है इसका पूरा आप लिखें सह बाला विद्यालय में आगच्छन्ति इस तरह से दे रखा है। मैं बात करूं तो यहां है बाला स्वाभाविकतया कस्य प्रथमा भाषा तो ऐसी स्थिति में अनुगच्छति अधिगच्छति और 25वें में हम जाएं तो यह आया कि अधोलिखित में ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति तो बच्चा ग्रहण किस किस से करता है श्रवणम से और पठनम से सुन करके और पढ़ करके करता है। फिर आपका 26वां जो प्रश्न है 26वें में जाएं हम यहां देख लेते हैं इसे जिसमें ये पूछा है शिक्षिका विशेषण विषय व्याख्यान करोति इसका जो है आंसर है वो निगमन विधि है। अगला प्रश्न है शिक्षक से सहायाये औपचारिकतया का भाषा अधिगम्य दे इसका आंसर देखें आप मातृभाषा। फिर कहा बालकानाम नवीन शब्दानाम पाठयितुम इस प्रश्न का आंसर जो है नीचे मैं यहां लिख देता हूं एतेन प्रकृत जीवने यहां से शुरू हो रहा है और दृष्टे वस्तु भी सह शब्दानाम संबंध स्थापने छात्राणाम सहायता भवती ये इसका आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है भाषायाम पाठचर्यायाम साहित्य से समावेश यदि में 29वें में मैं लिख दूं
इदम नैसर्गिक नैसर्गिक भाषा भाषा यहां ये दिया हुआ है इसमें। और अगला आपका जो तीसवा प्रश्न है मैं उसकी बात करूं तो भाषाया कक्षायाम कथा कथनस्य महत्वपूर्णम वर्तते, इसके लिए आपके पास सबसे लास्ट है एतत् भाषाया समग्र समग्र रूपम। इस प्रकार से मित्रों मैंने यहाँ आंसर दिए हैं आपको इन चीजों के, लेकिन फिर भी इन आंसरों का हम अवश्य जानते हैं जब आंसर की आती है जो सरकारी और खंडिक आएगी उस पे ही हमें करना होगा। लेकिन जहां तक हमने प्रयास किया है, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ हो, और इसी के साथ में हम सेकंड लेवल में चलते हैं, भाषा द्वितीय जो है भाषा जो लेवल सेकंड है उस पर चलते हैं।